हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, आज की वीडियो है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की। और एक्सेल में जैसा कि देख सकते हैं यहाँ पर एक रिजल्ट शीट आपके पास दिख रही होगी, ये सामने आपको, और इसमें बहुत सारे कॉलम छोटे पड़ गए। ये देखिए, यहाँ पे छोटे हैं, यहाँ पे छोटा है ये सेल, यहाँ पे छोटा है, यहाँ पे छोटा है। तो सबसे पहले तो इसको रिसाइज कर लेते हैं। तो आपको कुछ नहीं करना है, सिंपल इस डेटा में कहीं भी क्लिक करना है, कंट्रोल ए प्रेस करना है, ये पूरा डेटा सेलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद प्रेस करना है ऑल्ट एच यू आई, जैसे प्रेस करते हैं ये पूरा रिसाइज हो जाएगा। इसके बाद क्या करना है, ऑल्ट एच बी ए प्रेस करना है, ये पूरा ही बॉर्डर लग जाएगा। आप देखिए रिसाइज करने के बाद बॉर्डर भी लग गया, लेकिन कहानी यहां पे खत्म नहीं होती है। यहां पर हमें एक डेटा एंट्री फॉर्म बनाना है। इसके लिए कैसे बनेगा, थाम के बैठिए, एक छोटी सी शॉर्टकट की है ऑल्ट डी ओ, जैसे ही प्रेस करते हैं ये डाटा एंट्री फॉर्म बन गया। अब यहां पर आप कोई भी डाटा एंट्री कर सकते हैं बड़े ही आसानी के साथ। उम्मीद करता हूं ये टेक्निक आपको अच्छी लगी होगी, शॉर्टकट की आपको पसंद आई होगी। अगर आपको ये टेक्निक अच्छी लगी तो वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।